हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो फिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग, जिसको कि मैनिंग स्कोरिंग भी बोलते हैं, मैनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ गिवन बाय मैनिंग इन 1992। तो बायो फिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीनेटल टेस्ट होता है, क्योंकि ये अगर एनएसटी की फाइंडिंग नॉन रीअश्योरिंग आती है तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग का, बिकॉज दिस इज़ मोर एक्यूरेट दैन दी नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हमने देखा था कि फाइंडिंग्स दो आ सकती हैं, रीअश्योरिंग, जिसको रिएक्टिव फीटस से, मतलब रिएक्टिव फीटस को इंडिकेट करेगा अगर फाइंडिंग्स रीअश्योरिंग है, और नॉन रीअश्योरिंग, है ना। तो हमारे एनएसटी के रिजल्ट्स या तो रीअश्योरिंग हो सकते हैं या नॉन रीअश्योरिंग हो सकते हैं। रीअश्योरिंग है तो बहुत अच्छी बात है, उस समय के लिए फीटस को हेल्दी इंडिकेट करा जा रहा है कि मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज लेवल, कॉम्प्रोमाइज स्टेट में फीटस नहीं है, ठीक है। नॉन रीअश्योरिंग है तो हम फर्दर कन्फर्मेशन के लिए बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग करते हैं। वॉट इज दिस स्कोरिंग? इस स्कोरिंग में फाइव पैरामीटर्स को असेस किया जाता है, ठीक है। फाइव पैरामीटर्स को असेस किया जाएगा, जिसमें कि एक तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो कि हम पहले ही कर चुके हैं वो हमें दोबारा से करना है, और बाकी के जो चार पैरामीटर्स हैं, ब्रीदिंग हो गया, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स, फीटल मसल टोन, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब हमें यूएसजी के थ्रू चेक करने हैं। तो हमें एनएसटी और यूएसजी की फाइंडिंग्स पर पाँच पैरामीटर्स को असेस करना होता है। इस टेस्ट का टाइमिंग कितना होता है? 30 मिनट्स होता है, ठीक है। जब भी कोई भी पैरामीटर असेस करेंगे, अगर नॉर्मल आएगा तो हम 2 मार्क्स 2 स्कोर देंगे, एबनॉर्मल के लिए 0 स्कोरिंग, ओके। सो पूरा फंडा क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अगर हमें ये क्या चेक करना है कि फीटस को कॉम्प्रोमाइज स्टेट में तो नहीं है, फीटस हाइपोक्सिया की स्टेट में तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए अगर फीटस कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है तो उसके ब्रीदिंग मूवमेंट्स लेस आएंगे, उसके बॉडी मूवमेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे, मसल टोन डिक्रीज होगा, हाइपोटोनिया होगा, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। तो ये सब चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, जिसके बारे में हम सेपरेटली वीडियो में बात कर चुके हैं कि उसमें एक्सेलरेशंस और मूवमेंट्स को साथ साथ देखा जाता है 20 मिनट के ऑब्जर्वेशन में, वो पूरा हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर रिएक्टिव आता है देन गिव 2 मार्क्स, ओके। फीटल ब्रीदिंग, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स, अगर फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स 1 एपिसोड मिल रहा है, 1 या मोर देन 1 मिल रहा है एपिसोड, मतलब एक बार ब्रीदिंग मूवमेंट मिलना ही चाहिए, एक या एक से ज़्यादा बार मिल रहा है, कितना ड्यूरेशन का, 30 सेकेंड से ज़्यादा ड्यूरेशन का फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट मिल रहा है अगर 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में, तो गिव 2 मार्क्स, ओके। 2 स्कोरिंग दे दी। ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स देखेंगे, बॉडी मूवमेंट्स में आपको देखने हैं 3 डिस्क्रीट बॉडी और लिम्ब मूवमेंट्स, तो 3 और मोर देन 3 अगर हुए देन गिव 2। इसमें जैसे कि हैंड्स हैं तो हैंड्स का फ्लैक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, वो क्लोज कर रहा है, हैंड को ओपन कर रहा है, इस तरीके की बॉडी मूवमेंट्स कम से कम 3 मिलने चाहिए या 3 से ज़्यादा मिलने चाहिए 30 मिनट्स के टाइमिंग में, देन 2। फीटल मसल टोन, मसल टोन में एक्सटेंशन और फ्लैक्शन के थ्रू पता करा सकते हो, अगर एक एपिसोड या एक से ज़्यादा एपिसोड मिल रहा है फ्लैक्शन और एक्सटेंशन का, मतलब उसने एक्सटेंशन किया और फिर वापस से फ्लैक्शन करके रिटर्न भी किया, देन गिव 2। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड में अगर पॉकेट, एमनियोटिक फ्लूइड की पॉकेट जिसकी डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर, 2 x 2, है ना, 2 x 2 की पॉकेट एक या एक से ज़्यादा मिल रही है, देन गिव 2, ओके। सो स्कोरिंग हो गई, किस तरीके से स्कोरिंग करनी है, अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इतना जितना बताया गया है वो सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है, देन 2, एबनॉर्मल है देन 0। अब स्कोरिंग होगी तो अब हम देखेंगे रिजल्ट, कैसे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, ओके। तो अगर स्कोर ओवरऑल, या अगर ये सारे ही स्कोर नॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं तो 10 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया? 10 हो गया। तो अगर स्कोर 8 to 10 में आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नो फीटल हैज एस्फाइक्सिया, फीटल को एस्फाइक्सिया की कंडीशन नहीं है, फीटल कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं एज पर द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट।
तो ऐसे में हमें क्या करना है, रिपीट टेस्टिंग एट वीकली इंटरवल और मोर। वीकली इंटरवल पर टेस्टिंग को रिपीट करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ फाइंडिंग रीअश्योरिंग आई हैं लेकिन आगे चल के वो नॉन रीअश्योरिंग हो सकती हैं, तो इसलिए टेस्ट को रिपीट तो करना ही है। अगर आपकी अगर आपका स्कोर नॉर्मल आया है तब भी टेस्ट को रिपीट तो करना ही है वीकली। लेकिन अगर टेस्ट का स्कोर 6 आता है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं क्रोनिक एस्फाइक्सिया को, कि हाँ थोड़ा सा चांसेस हैं कि हो सकता है क्रोनिक एस्फाइक्सिया हो। तो अगर ऐसे में 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, मोर देन 36 वीक्स पे अगर लेडी आई है, क्लाइंट आया है, तो हम डिलीवरी करा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो 2 से कम है तो हम रिपीट करेंगे टेस्ट को 4 to 6 आवर्स में अगेन, ओके। क्योंकि लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो जो है वो अगर 2 से कम है तो इसका मतलब उसके लंग्स ही प्रीमेच्योर नहीं हुए हैं, लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो रेशियो अगर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का रेशियो 2 से कम है तो हम उस टेस्ट को वापस से रिपीट करेंगे 4 to 6 आवर्स में। अगर टेस्ट की फाइंडिंग 4 आई है तो हम फिर से सस्पेक्ट कर सकते हैं क्रोनिक एस्फाइक्सिया। ऐसे में सेम अगर 36 वीक्स क्रॉस कर चुकी है लेडी तो डिलीवरी करा देंगे, अगर 32 वीक्स से कम है तो रिपीट, और 0 to 2 में आती है तब भी हमें सस्पेक्ट करना है क्रोनिक एस्फाइक्सिया, ओके। सो अगर क्रोनिक एस्फाइक्सिया की कंडीशन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो मोर देन 36 वीक्स अगर है या इक्वल टू 36 वीक्स है तो डिलीवरी करा देंगे, अगर लेस देन 32 वीक्स है तो फिर से रिपीट करेंगे 4 to 6 आवर्स के बाद, फिर से पूरी टेस्टिंग पूरा स्कोर फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 30 मिनट का टेस्ट था। तो इस तरीके से हम टेस्ट को अगर 120 मिनट तक करते हैं, यानी कि हमने टेस्ट को 4 बार कर लिया और उसके बाद भी उसका जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, स्कोर 4 या लेस देन 4 आ रहा है, तो स्ट्रांगली सस्पेक्ट करते हैं एस्फाइक्सिया को। और ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में डिलीवरी करानी होती है रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज, ठीक है। जेस्टेशनल एज चाहे कुछ भी हो, जब स्ट्रांगली सस्पेक्ट करो एस्फाइक्सिया तो आप डिलीवरी कराओगे, ओके। सो दिस इज बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग। एंड इसी के अलावा एक होता है मॉडिफाइड, होता है मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग और टेस्ट, जिसमें कि हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट और साथ में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को चेक करते हैं, ओके। सो नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बात की है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसमें कि सम ऑफ वर्टिकल पॉकेट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वो बनाता है इंडेक्स, ओके। और अगर वो लेस देन 5 हुआ तो ऑलिगो, मोर देन 25 हुआ तो पॉलीहाइड्रोमनिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।